हे गाइज, वेलकम टू GFW न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की, जिसका निर्देशन किया है लव रंजन ने। तो आइए आज हम इसका रिव्यूज करते हैं कि फिल्म कैसी है। आज ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन इसको ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं मिली है। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज के दिन जो है लोग होली खेलते हैं, त्यौहार मनाते हैं। हो सकता है इसकी जो ऑडियंस है जो कल से आना शुरू होगी। तो आइए देख लेते हैं फिल्म कैसी है। तो फिल्म की जो स्क्रिप्ट लिखी है वो राहुल मोदी और लव रंजन ने लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। और फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी प्यारी है कि फिल्म जो है कभी कभी आपको हंसाएगी, कभी आपको रुलाएगी, कभी बहुत इमोशनल कर देगी, कभी बहुत कॉमेडी कर देगी। तो इस तरीके की ये फिल्म है। फिल्म की स्टोरी जो है वो इस प्रकार से है कि रणबीर कपूर जो बहुत ही एक दिल फेक आशिक टाइप का लड़का है, जो मिक्की का किरदार निभा रहे हैं, और श्रद्धा कपूर वो भी एक बहुत ही बोल्ड लड़की है। श्रद्धा कपूर जिनका नाम इस फिल्म में इनका जो किरदार है वो टिन्नी नाम है उनका, तो टिन्नी का किरदार वो निभा रही हैं। तो ये दोनों एक ट्रिप पर मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कुछ अनबन इनके बीच हो जाती है, तो ये फिर बिछड़ जाते हैं। तो उसके बाद ये बहुत ही काफ़ी दिन के बाद एक फ्रेंड की गोद भराई में फिर से मुलाकात इनकी होती है, फिर वहीं से कहानी फिर आगे बढ़ती है। और रणबीर कपूर के दोस्त के किरदार में, सपोर्टिंग एक्टर के किरदार में बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, डेब्यू किया इस फिल्म से। उनका नाम है अनुभव, जो कि अनुभव सिंह, जो कि दब्बास का किरदार निभा रहे हैं। और रणबीर कपूर की माँ का रोल कर रही हैं डिंपल कपाड़िया, और रणबीर कपूर के पिता का रोल कर रहे हैं, उनके डैड का रोल कर रहे हैं बोनी कपूर। जी हाँ, मैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने इस फिल्म में भी जो है एक मतलब किरदार निभाया है रणबीर कपूर के पिताजी का। और नुसरत पडुचा का जो है इस फिल्म में एक कैमियो भी है, बहुत शानदार कैमियो है। और इस फिल्म में जो म्यूजिक है वो प्रीतम का है, और इसके लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस फिल्म के गानों की जो कोरियोग्राफी हुई है वो बास्को सिधर और गणेश आचार्य ने की है। बास्को सिधर ने सोनी द ठुमका गाने की कोरियोग्राफी बहुत ही बढ़िया की है, और इस फिल्म के जो गाने हैं बहुत ही अच्छे हैं, सभी गाने हिट हो चुके हैं। अभी एक आध गाना जो है इसका आने वाला है, बाकी है। तो इसका जो म्यूजिक है वो प्रीतम ने दिया, बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए जान लेते हैं कि एक्टरों ने काम कैसा किया है, परफॉर्मेंस कैसी है इनकी। तो रणबीर कपूर, उनकी एंट्री से लेकर एंड तक उनकी परफॉर्मेंस को मैं 100% दूंगा, कि रणबीर कपूर ने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी की है। इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी की है रणबीर कपूर ने कि आप देखेंगे तो उनका समझ लो गले लगाने का दिल करेगा। और इमोशनल सीन जब उन्होंने इमोशनल वाली एक्टिंग की है, तो वो भी ऐसी की है कि आपको मन करेगा कि उनका हाथ चूम लें। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी, कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस की जो ये मतलब फिल्म है, इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो उनकी कई फिल्मों में से एक फिल्म ये भी मानी जाएगी उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और श्रद्धा कपूर जो टिन्नी का रोल निभा रही हैं, उन्होंने इस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भी उनके अंदर भी एक्टिंग है, बस कोई उनको कैप्टन अच्छा मिलना चाहिए जो कि उनको सही दिशा दिखा सके। तो इस फिल्म को देखने के बाद श्रद्धा कपूर को लोग याद करेंगे, और उनका जो है एक जोनर जो है बदलेगा, और उनको हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे काम मिले इस फिल्म के बाद से। और बात करते हैं लव रंजन के डायरेक्शन की, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया है उन्होंने फिल्म। आप जब देखने बैठेंगे थिएटर के अंदर, तो ये फिल्म आप एक मिनट के लिए कहीं भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। स्क्रीन प्ले इतना फास्ट है इस फिल्म का, और फिल्म इतनी कॉमेडी, रोमांटिक, और उसके बाद इमोशनल हो जाना फिल्म का, बीच बीच में कभी कॉमेडी हो जाना। तो उनका निर्देशन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत ही अच्छा निर्देशन दिया है। तो उनके निर्देशन को मैं जो है 4 स्टार दूंगा। और लव रंजन ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, इसको आप एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखेंगे।
ये फिल्म इसकी रिक्वेस्ट वैल्यू बहुत अच्छी होगी, ये मेरा मानना है। तो और इस फिल्म में जो किरदार निभाया डिंपल खवाड़िया ने, माँ का किरदार निभाया है, वो भी इस उम्र में बहुत ही अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। बोनी कपूर का भी काम अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों, ये मूवी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा होली का तोहफा है। इसको आप देखेंगे तो रोएंगे भी और हंसेंगे भी, और एक नए तरीके का सिनेमा देखने को मिलेगा, नए स्टोरी देखने को मिलेगी, एक डिफरेंट स्टोरी वाली फिल्म देखने को मिलेगी आपको। तो मैं इस फिल्म को जो स्टार देना चाहूँगा, मैं 4.5 स्टार दूंगा, 5 में से। और मेरे लिए ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों आप भी थिएटर में जाके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए कि ये फिल्म कैसी है। तो ये थी फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, डायरेक्टर की परफॉर्मेंस। और ये फिल्म मेरी नज़र में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही उम्दा फिल्म है। इसको आप थिएटर में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको एक नए तरीके का सिनेमा देखने को मिलेगा, नई तरह की डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की शुरुआत जरूर धीमी है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना लेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों इस मूवी को देखिए और होली को एंजॉय करिए। फिर मिलूंगा बॉलीवुड के नए अपडेट के साथ।